चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें से कुछ एक फैसले सरकारी महकमों, बोर्ड, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को बाजार दरों पर छूट मिलना भी शामिल है। देखिए, दीपावली से पहले हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, साथ ही कई विभागों को दीपावली का तोहफा भी दिया गया। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि कैबिनेट ने सरकारी विभागों के लिए खरीदी जाने वाली जमीन के रेट तय करने के लिए हाई परचेज कमेटी गठित की जाएगी। हरियाणा में इससे सरकारी विभागों के लिए जमीन खरीद के रेट तय करने में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पहले क्या होता था कि पहले जो कलेक्ट रेट होता था उसके ऊपर जो जमीन होती थी, चाहे सरकार खरीदती थी या सरकार देती थी, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो सकती थी, क्योंकि जो मार्केट रेट है और कंट्रोल रेट है, कलेक्ट रेट है, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसको करेंगे। इसमें इवैल्यूएशन के लिए कई कंपनीज भी, जो चाहे जो आयकर विभाग के द्वारा अप्रूव हैं, भारतीय स्टेट बैंक हुआ, सरकार हुई, उसमें DRO, डिविजनल कमिश्नर, ये सब बैठेंगे। और अगर तो कलेक्ट रेट रहता है तो वहीं पर उसको समाधान हो जाएगा, अगर उससे कहीं ऊपर जाता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये आएगा कमेटी। इसके अलावा कैबिनेट में हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए वन टाइम सेटल स्कीम को मंजूरी दे दी है। NHM के तहत आने वाले राज्य के 6 जिलों में MCH विंग और ब्लॉक की स्थापना को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंध आधार पर लगे करीब 10,500 कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया गया है। सभी NHM कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक कर विभागों को दीपावली का खास तोहफा दिया है। सरकारी विभागों की जमीन को लेकर बनाई गई हाई पावर परचेज कमेटी से कई परेशानियां भी कम हो सकेंगी। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक।